हरे कृष्णा। अभी सहनता आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी गंभीर समस्या लोगों के बीच में देखी जाती है, विशेषकर से युवा वर्ग पीढ़ी में, कि जब भी हम कोई वार्तालाप करते हैं, हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, हम जो कहते हैं सामने वाला सुनता कुछ है, समझता कुछ और बोलता कुछ है, जिसके कारण संबंधों में मनमुटाव उत्पन्न होते हैं, गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं, संबंधों में चिंताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी संबंध इतने अधिक खराब हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी जो संबंध तोड़ने पड़ते हैं। तो बड़ी भीषण समस्या है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि कम्युनिकेशन यानी संवाद किस तरह से किया जाए कि हमारे संबंधों में कोई चिंता, दरार, टेंशन, तनाव नहीं हो और हमारे संबंध, आपसी संबंध जिनके बीच में हम रहते हैं, उनसे हमारे संबंध स्वस्थ रहें, संबंध हमारे अच्छे रहें। इस विषय में परम भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम भगवान हैं, वह भगवद्गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस समस्या का हल बताते हैं कि किस तरह से हम आपसी वार्तालाप करें कि हमारे संबंध स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जो हम लोगों को कहना चाहते हैं वही बात लोगों तक पहुंच सके। तो वह श्लोक है, अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रियहतम चयत स्वाध्याय अभ्यासम चैवा वांगमय तप उच्यते। तो भगवान दो चीज़ें बताते हैं, पहला कि क्या करना है और दूसरा क्या नहीं करना है। देखिए, जो डॉक्टर की विशेषता होती है, जो योग्य डॉक्टर होता है, वो बीमारी के लिए दो चीज़ें बताता है, डूज और डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। तो भगवान जो कि सुप्रीम डॉक्टर हैं, जिनके पास हर बीमारी का इलाज हो, सबका बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने भगवद्गीता में दिया हुआ है, तो वो बताते हैं कि हमको कुछ चीज़ें बताते हैं जो हमको करना है। पहला बोलते हैं अनुदेव कर्म वाक्यम, कि हम लोगों से मिलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे दूसरों का मन उद्वेलित हो, उत्तेजित हो। कुछ ऐसी बातें ना कहें जिससे जो लोगों को भड़काने वाली हो, या लोगों को ऐसे संवाद ना बोलें जिससे लोगों को चिंता होती हो, आपसी मनमुटाव उत्पन्न होता हो, आपसी गलतफहमियां उत्पन्न हो, तकरार हो, संबंधों में दरार हो, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। तो अनुदेव कर्म वाक्यम, ऐसे शब्द ना बोलें जिससे व्यक्ति को जो है मन में हृदय में तकलीफ हो, उसको चुभें, ऐसी चीज़ें नहीं बोलें। देखिए, एक सिद्धांत है शास्त्र का, अवर स्पीच रिफ्लेक्ट्स अवर कॉन्शियसनेस। हम जब भी कुछ बोलते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो हमारे शब्दों के माध्यम से हमारे मन में जो चल रहा है, जो हमारी मनोदशा है, जो हमारी चेतना है, वो प्रदर्शित हो जाती है। तो हम जो भी शब्दों का चयन करते हो, जिस तरीके से बोलते हैं, उससे सामने वाला ये समझ जाता है कि एक्चुअली हमारे मन में चल क्या रहा है। भले फिर कितना अच्छा शब्द क्यों ना बोल रहे हो, मगर वो हमारा इंटेंशन पकड़ लेता है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो स्पीच हो वो लोगों को उद्वेलित करने वाली नहीं हो, क्योंकि उससे हमारी चेतना का पता चल जाता है। द वे ऑफ स्पीच हैज़ मच बिगर इन्फ्लुएंस इन द वर्ड्स देमसेल्व। आप क्या कह रहे हैं, इस बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरीके से कह रहे हैं, आपका लहजा क्या है कहने का, कहने की टोन क्या है। उस लहजे और टोन से सामने वालों का हमारा संदेश कम्युनिकेट होता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक ही शब्द केवल अच्छा, इतना सही बोलना है, लेकिन देखिए इसको अगर हम अलग अलग टोन से बोलें, अलग लहजे से बोलें, तो उससे कई तरह के अर्थ निकलते हैं। पॉजिटिव अर्थ भी निकलता है, नेगेटिव अर्थ भी निकलता है, आश्चर्यजनक, विस्मय आदि बोधक अर्थ भी निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमें कोई घटना सुनाई जो बड़ी आश्चर्यजनक थी, किसी ने कहा आपको पता है नदी में आग लग गई और मछलियाँ पेड़ों पर चढ़ गई, अच्छा, तभी देखिए सामने वालों को क्या गया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात कही गई। और किसी ने हमें कोई घटना सुनाई, कोई अच्छी चीज़ सुनाई, अपनी कोई किसी ने कोई उपलब्धि हासिल करी कि देखिए मैं सब एग्ज़ाम में बैठा था, मेरे में मेरिट आया हूँ एकदम, तो हम बोलते अच्छा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट गया उसको, खुश है वो। और यदि हम बोलें अच्छा, तो नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। तो शब्द एक है, लेकिन देखिए अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं हम, लहजे से बोल रहे हैं, तो वो हमारे लहजे के आधार पर सामने वाला कैच करेगा हमारी चेतना को। तो हमारा लहजे का बहुत महत्वपूर्ण है, हम लहजे के हिसाब से हम सुख का प्रदर्शन, उसी शब्दों से हम अपने सुख का प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हीं शब्दों से दुख का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है। तो बड़ा महत्व है हमारी वाणी का, शब्दों का। श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय के 3रे श्लोक के तात्पर्य में
हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कमान से जब तीर निकलता है तो सीधा छाती को भेदता हुआ हृदय में जाके लगता है, तो तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तकलीफ उस तकलीफ से ज़्यादा नहीं है जो तीर, जो शब्दों का वो तीर जो जिह्वा के माध्यम से निकलता है, जिह्वा के माध्यम से निकलने वाला तीखा और आक्रामक तीर लागे सामने वाले को लगता है तो उसका बहुत अधिक गहरा प्रभाव है, उसकी पीड़ा बहुत अधिक होती है बजाय ओरिजिनल तीर के। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो तीर लगा, जो वास्तविक तीर है, उसको जख्म से भरा जा सकता है। शब्दों के बाढ़ का तीर जो लग गया वो हृदय में घर बना लेता है, जख्म अगर भर भी गया तो उसके चिन्ह रहते हैं जो आदमी को सदैव याद रहते हैं। हमने किसी को कड़वे वचन अगर बोल दिए हैं, सबके सामने बोले खास तौर से, तो हम माफ़ी मांगेंगे तो हमें वो माफ़ तो कर देगा, लेकिन वो भूलेगा नहीं, कि मैं फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। तो हमें इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भगवान हमें भगवद्गीता में बोलते हैं कि कभी भी जो है शब्द का उपयोग करें तो ऐसे शब्द ना बोले जो लोगों को उद्वेलित करने वाले हैं, उनको उत्तेजित करने वाले हैं, उनको भड़काने वाले, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, विशेष रूप से उन लोगों के बीच में जिनसे हमारा वार्तालाप रोज रहता है। देखिए जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं तो हम स्वतः ही सावधान हो जाते हैं, हमारी चेतना बोलती नहीं इनसे हमें अपना आदर का भाव रखना है, सम्मानपूर्वक बोलना है। जिस घर में परिवार में समाज में रोज मिलते हैं उन संबंधों को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो उनसे हम कहीं कुछ भी बोल देते, लापरवाह हो जाते हैं ये सोचकर कि अंडरस्टैंड मी ही विल नॉट फील बैड, वो मुझे समझता है वो बुरा नहीं मानेगा। जरूरी नहीं है ऐसा। इसलिए शब्दों का चयन और शब्दों का लहजा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेंट एंड कंटेंट्स बहुत हर इम्पॉर्टेंट। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई घटना हमारे जीवन में घटती, अच्छी हो या बुरी हो, वी डोंट हैव टू गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स। जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जब भी हमें कोई कुछ बोलता है, कुछ घटना होती है, तो हम बिना सोचे समझे तुरंत हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम SMS भेजते हैं, या WhatsApp पर मैसेजेस आते हैं, या Facebook पर मैसेंजर पर SMS आते हैं, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं खट से इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। उससे होता क्या है, हमारा इंटेंशन सही भी है पर वो जरूरी नहीं कि सामने वाला हमारा उस इंटेंशन को सही ही समझेगा, उसको गलत ले सकता है, गलत समझ सकता है, और उसको वो समझेगा कुछ तो किसी और तरीके से वो रॉन्गली डिकोड कर सकता है। या हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग हमें कुछ कहते हैं सही हैं लेकिन हम गलत समझ सकते हैं, वो समझते हैं हम लोग। तो कहने का भाव है कि तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। हमेशा जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो भक्त अच्छे, जो जिनका ब्राह्मणिकल ब्रेन होता है, वो हर बात को समय, देश, काल, परिस्थिति के आधार पर बोलते हैं, वो तुरंत नहीं बोलते। उनको पता होता है मुझे कौन सी बात कब बोलनी है, कब उसका एक्चुअल प्रभाव होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको कम्युनिकेट हो जाएगी। गीता में भगवान बोलते हैं आई एम इनवाइटेबल टाइम, मैं समय हूँ। तो हमको हमेशा जो है समय के देश काल प्रसिद्ध को देखने के बाद अपना संवाद, अपने बातें बोलनी चाहिए। एक बार मुझे एक बात कहनी थी, उस बात का मैंने 8 साल तक वेट किया था। 8 वर्ष के बाद जब मैंने सही मौके पर बात बोली, तुरंत एकदम पॉजिटिव इफेक्ट आया था उसका। तो कभी कभी ऐसा हमको भक्त होने के नाते हमें विचार करना चाहिए कब बोलना है, कितना बोलना है या नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। कभी कभी बिना कुछ बोले हम बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें हर बार अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने के लिए बोलना ही पड़े। जैसे भगवद्गीता में एक बार एक भक्त प्रवचन दे रहे थे, गीता पर तो बता रहे थे कि जनरली लोग सोचते हैं कि भगवान ने भगवद्गीता दूसरे अध्याय के अध्याय से 12वें श्लोक से बोलना चालू करी, लेकिन वो कह रहे थे एक्चुअली भगवान ने भगवद्गीता पहले अध्याय के 22वें श्लोक के जहाँ भगवान ने बोल दिया था, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तब भगवान बोलते पश्चेतान साम्यवेतान कुरुन्निति, हे पार्थ युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए इन कौरवों को देखो, द्रोणाचार्य भीष्म द्रोण प्रमुखता, ऐसा बोले थे भगवान कि प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोण और जितने कौरव हैं युद्ध की इच्छा से इनको देखो बस। तो भगवान ने इतना कहा था देखो, लेकिन भक्त बता रहे थे इतना किया कि भगवान ने पूरी गीता कम्युनिकेट कर दी थी अर्जुन को कि मेरी प्राप्ति अगर करनी है तो ये तुम्हारी बाधाएं हैं, ये आसक्तियां हैं, इनसे निकलोगे तुम मस्तक आओगे। तो कभी भी तुरंत रिस्पांस नहीं दें, सोचें, विचार करें, फिर बोलें। तुरंत रिस्पांस कभी नहीं देना चाहिए। दूसरा भगवान बोलते हैं सत्यम, कि जहाँ तक हम प्रयास करें मुझे सत्य वचन बोलें, झूठ ना बोलें। अभी आजकल क्या होता है, कलयुग में ऐसा वातावरण है कि लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। कितने गुलाब जामुन खाए, खाए नहीं मैंने, अरे 5 खाए, बोल दो भी 5 गुलाब जामुन खाए। कहाँ जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, घर में कोई आया, कौन आया, कोई नहीं आया। तो छोटी छोटी बातें जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी झूठ बोला जाता है।
और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे संबंधों को ख़राब करने के लिए, क्योंकि झूठ के पाँव तो होते नहीं, आज नहीं तो कभी ना कभी सच बात सामने आ ही जाएगी। तो जहाँ तक भगवान बोलते हैं सत्यम, क्या आप जो है सत्य वचन बोले, सत्य ही बोलना चाहिए निडर होके, क्यों झूठ बोला जाए। फिर बोलते हैं हितम, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। देखिए जब भी हम दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं तो सहनता, लोगों का स्वभाव क्या है कि वो अपने हित का ध्यान रखते हुए संवाद बोलते हैं, और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भगवान ये सिखाते हैं, जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें, कुछ वचन बोलें, कुछ संवाद बोलें, तो उसके हित का ध्यान रख के बोलें कि मैं जब बोल रहा हूँ उसमें उसका लाभ है या नहीं है, वो देखा जाना चाहिए पहले। अगर आप ये बात पकड़ लें कि मुझे यदि कोई बात बोलनी है तो वो उसको उसका बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो देख के बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके संबंधों की 90% जो प्रॉब्लम है वो पूरी ख़त्म हो चुकी होगी। क्योंकि जैसे हम अपने हित का सोच रहे, तो मतलब क्या है, आई एम सेल्फिश। मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जो संवाद कर रहा हूँ, जो कथन बोल रहा हूँ, जो वचन बोल रहा हूँ, अपने स्वार्थ को रख के बोल रहा हूँ, वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। देन सीरीज ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट वन आफ्टर अनदर। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो हमेशा सामने वाले के हित का ध्यान रखते हुए बोलें। और फिर भगवान बोलते हैं स्वाध्यायम। देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जब वहाँ भक्तों का समूह होता है, ये बात भक्तों का समूह के लागू होती है विशेष रूप से, जो भक्त समूह के समुदाय के बाहर नहीं वो भी करे तो अच्छा है, बट विशेष रूप से भक्तों के समुदाय में जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कोई हम सिद्धांत बोला जाता है, कुछ वचन बोले जाते हैं, तो उसको बोलने के बाद हमारी जो वाणी है वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं आप जब कोई सिद्धांत बोल रहे हैं, आध्यात्मिक ऊपर कोई शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको तुरंत उसको शास्त्र से पुष्टि करना आना चाहिए, है ना, आपको रेफरेंस देना आना चाहिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान ये बात कह रहे हैं। तो चूंकि आप अथॉरिटी को कोट करेंगे तो आप अथॉरिटी बन जाएंगे, फिर समाला स्वीकार कर लेगा। अगर उसमें थोड़ी ही भगवान के प्रति आदर की भावना, वो स्वीकार करेगा। भगवान बोलते हैं, आप भगवान के भक्त बोलते हैं, हमारी वैष्णव परंपरा है, ब्रह्मगुड़ी मध्य संप्रदाय है हमारा, उसके आचार्य बोलते हैं, तो हम जो कुछ भी कहें आचार्यों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, विशेष रूप से हमारी संस्था के आचार्य श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आधार का प्रमाण देते हुए हमको बोलना चाहिए। सिद्धांत बोलिया ना करी ले आला, चेतन महाप्रभु बोलते हैं जब भी सिद्धांत बोलना है उसमें हमको आलसी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का भाव ये है, हम जब भी बोलें तो शास्त्र का प्रमाण दे के कहें। तो हमने चार चीज़ें डिस्कस करी, कहते अपने संबंधों को हम सुधारना चाहते हैं, संबंधों में मिठास लाना चाहते हैं, संबंधों में मधुरता लाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास के लोगों से हमारे संबंध में खटास उत्पन्न हो, गलत सहनी उत्पन्न हो, संबंध में दरार हो, अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो हमें तीन चार चीज़ें करनी होगी जो भगवान ने बताई। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, सबसे पहला है कि अनुदेव कर्म वाक्यम, ऐसे वचन ना बोलें जो सामने वालों को उद्वेलित करते हों, उत्तेजित करते हों, उसको तकलीफ होती हो, ऐसे कड़वे वचन ना कहें। दूसरा सत्यम, सत्य वचन बोलें, झूठ ना बोलें। तीसरा हितम, सामने वाले के बेनिफिट के लिए बोलें, उसके हित के, उसके लाभ के लिए बोलें। और चौथा स्वाध्यायम, कि शास्त्र सम्मत वाणी बोलें। अगर ये चार चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए जैसे आप इसका पालन करेंगे तो आप देखेंगे तो जिन लोगों से आपके संबंध खराब हैं वो बहुत अच्छे और मधुर हो जाएंगे, और जिनसे संबंध आपके अच्छे हैं और मधुर हो जाएंगे, सुमधुर हो जाएंगे। क्योंकि आप कृष्ण की दी हुई शक्ति के आधार पर बोल रहे हैं, कृष्ण ने जो हमें आदेश दिया हम उसके आदेश का पालन करते हुए बोल रहे हैं। तो ये तो हमारा आज का संदेश। अब इसका एक अप्लीकेशन और ये भी है कि जब भी आप ऐसा कम्युनिकेशन करें, हम लोग ऐसी संवाद ना करें, तो सबसे पहले भगवान से हृदय में प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं इस व्यक्ति को ये बात कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, मेरी खुद की शक्ति नहीं है, यदि मैं खुद की शक्ति से कहूँ तो ये समझ जाए ये संभव नहीं है, लेकिन ये आप कृपा करें, आप मेरी वाणी में वो शक्ति दें कि बोलने का मेरा इंटेंशन, मेरी चेतना शुद्ध हो मेरी क्षमता के अनुसार, और आप इस व्यक्ति को कम्युनिकेट करें, आप समझाएं। मैं केवल शब्द डिलीवर करने की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति को समझाना है कि जो मैं कह रहा हूँ विषय को वजह समझे, वो तो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आप पहले भगवान से प्रार्थना करें फिर बोलें, उसका जो भी परिणाम आए, नकारात्मक परिणाम आए, सकारात्मक परिणाम आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए या नेगेटिव रिजल्ट आए, उसे भगवान की कृपया मान के स्वीकार करें और उस पर निर्भर रहें। तो ये है कला हमारे आसपास के लोगों में जिनसे हम मिलते हैं, नित्य प्रति मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो भगवान के भगवद गीता में जो भगवान ने वो आर्ट ऑफ स्पीच, यू कैन से इट इज़ आर्ट ऑफ स्पीच,
इसको यदि हम उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके संबंध लोगों से बहुत मधुर रहेंगे, ना आपको कोई टेंशन रहेगा ना उनको कोई टेंशन रहेगा, ना आपको कोई चिंता रहेगी ना उन्हें कोई चिंता रहेगी, ना कोई तनाव रहेगा संबंध में, खटपट होना अनबन होना पूरी तरह बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी सिद्धांत भगवान का दिया हुआ सिद्धांत है और उसमें भगवान की शक्ति निहित है। तो भगवान के आदेश की शक्ति के लेकर फिर जो हम अपने शब्द बोलेंगे उसमें पोटेंसी रहेगी और वो हमारी चीज़ों को लोगों तक सही सही पहुंचाएगी। देखिए जब भी कभी कोई अत्याचार होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर अत्याचार की विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए, आप उठाएंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जब भगवान उठाएंगे, जब भगवान की आवाज़ निकलेगी तो सारा संसार सुनेगा, सारी दुनिया सुनेगी। तो हमें भगवान की, भगवान ने जो हमें आर्ट ऑफ स्पीच का प्रिंसिपल दिया है इस पर विश्वास रखकर हमें इसका अनुपालन करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।